नमस्कार, आपने लॉग इन किया है हॉलीवुड न्यूज और मैं हूँ साक्षी कोटियाल। चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। देश विदेश से लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ आ रहे हैं। यूँ तो ये यात्रा हर साल अप्रैल और मई में शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर में ख़त्म हो जाती है, लेकिन सितंबर का जो महीना है वो चार धाम यात्रा का पीक सीजन है, क्योंकि जून से अगस्त तक भारी बारिश होती है, जिस वजह से तीर्थयात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस साल तो ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है, इस वजह से जो जून से और अगस्त का महीना है वहाँ तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर का महीना चार धाम यात्रा के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि तब तक बारिश की वजह से घाटी बिल्कुल धुल जाती है और हरियाली ही हरियाली होती है। प्राकृतिक सुंदरता का अगर आपको आनंद लेना है तो सितंबर का महीना चार धाम यात्रा के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर आप चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं या गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए किसी भी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखें। सबसे पहले अपने साथ कुछ ज़रूरी दवाइयां रखें, क्योंकि पहाड़ों में मेडिकल शॉप आपको आसानी से नहीं मिलती हैं। और साथ ही बुखार की, उल्टी की, सरदर्द की दवाइयाँ भी अपने साथ रखें। दूसरा, गूगल मैप के भरोसे बिल्कुल ना चलें। जहाँ भी आपको रास्ते के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो स्थानीय लोगों से पूछताछ करें। तीसरा, ऊनी कपड़े यानी गर्म कपड़े अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में चाहे जितनी भी गर्मी हो रही हो, पहाड़ों में हमेशा ठंडी रहती है और अगर थोड़ी सी भी बारिश हो गई तो ये ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा अपने साथ एक टॉर्च जरूर रखें और जहाँ तक हो सके अकेले ट्रैवल ना करें, क्योंकि उत्तराखंड का जो रूट है वो काफ़ी चैलेंजिंग है, इसलिए हमेशा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ही यात्रा करें। चार धाम यात्रा के बारे में हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि चार धाम यात्रा के अलावा आप उत्तराखंड में कहां कहां घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें।